सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार शुभ रात्रि। बेसब्री से शायद आप इंतज़ार कर रहे होंगे आज हम स्कूल व्याख्याता भूगोल के पेपर को डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों आज का प्रश्न पत्र आपने ढंग से देख लिया होगा प्रथम प्रश्न पत्र का भी आपने डिटेल अध्ययन कर लिया है और इसका भी कर लिया है यदि देखा जाए तो विगत लंबे समय से जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे और सब्जेक्ट को बहुत गहराई के साथ समझ रहे थे उनके लिए पेपर मैं कहूँगा एवरेज पेपर था प्रश्न पत्र को अपन ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते पढ़ने वाले बच्चों के लिए बल ये पेपर वाकई बहुत अच्छा पेपर था जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में कोचिंग कर रहे हैं टेक्स्ट बुक पर आधारित और अपन यूँ नहीं कह सकते हैं कि यहाँ सब बराबर हो जाए नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले नहीं इसमें अंतर है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वाकई उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसका सिलेक्शन किसी भी हालत में ज्योग्राफी में नहीं हो सकता है आइए दोस्तों अभी अपन हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ की बाद में बात करेंगे एक बार दोस्तों अपन इस पेपर पर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद में आपको मैं बता दूंगा कि लगभग इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है मैं सभी साथियों से अपील करूंगा लाइक करते हुए चलें और सब साथियों को जोड़ते हुए चलें एक दूसरे को शेयर करें यस yes, दोस्तों आइए सभी साथियों को नमस्कार जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ बाकी साथियों को आप जोड़िए सभी साथियों को बुला लीजिए एक बार अपन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे कट कर ऑफ की भी बात करेंगे कौन से प्रश्न का क्या जवाब हुआ कैसे हुआ उस पर पूरी डिटेल अध्ययन करने जा रहे हैं शायद पहला प्रश्न सभी के आ गया है। आवाज आ रही है एक बार आवाज़ क्लियर कर लीजिए यस हाँ दिनेश आवाज आ रही है अजय जितेंद्र राजीव ओके मैं शुरू कर रहा हूँ आप पे अपना प्रश्न पत्र निकाल लीजिए नेगेटिव मार्किंग है बाद में आप अपने हिसाब से नेगेटिव अंकन कर लीजिए पहला प्रश्न था डूरन रेखा किन्स के साथ जुड़ती है देखिए संबंधित देशों के साथ जो संबंधित जो रेखाएं हैं उनको अलग अलग नाम से अपन जानते हैं या डूर्ण रेखा का जो संबंध है वो किससे अफगानिस्तान से है तो पहला का जो आंसर होगा चार होगा पहला का आंसर क्या होगा चार होगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर जो दो है, कोस्ट, सीका की बात कर रहा है हेडले है, कोस्ट की बात कर रहा है कि किन दो वायुदा पेटियों के मध्य होता है हमने आपको पहले पढ़ाया था हेडले कोष है फेरल कोष है पोलर कोष है ध्रुवीय कोष है तीनों सेल्स के अपन ने बात की थी कहने का मतलब धरातलीय और जो उच्च शो के बीच जो वायु का परिसंचरण है वो एक कोष का निर्माण करता उससे रिलेटेड ये बात थी हमने आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था ऑफलाइन में भी हमारे क्लास नोट्स में आपको ये डायरेक्ट ये मिल जाएगा हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये आपको मैंने दिया था ये प्रश्न विश्व त्रे निम्न वायुदाब पेटी से उपोषण उच्च वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली क्वेश्चन है पीजी लेवल का क्वेश्चन था भारत के आर्थिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न था आपके आर्थिक प्रदेश लिखे हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैंने आपको इसी का क्लासिफिकेशन पी गुप्ता और जी सदाशिव का 1968 का क्लासिफिकेशन आपको दोस्तों मैंने नोट करवाया था और दो प्रश्न यहाँ से आए हैं एक प्रश्न ये बना है कि अनुसार कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश किसका पार्ट है यदि अपन गुप्ता के के 1968 क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए भारत को सात मुख्य प्रदेशों में और बयालीस मध्यम प्रदेशों में डिवाइड किया गया आर्थिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग और उन सात के अंतर्गत उन सात के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी वृहत प्रदेश एक अलग है और उत, उस उत्तरी पश्चिमी वृत प्रदेश के अंतर्गत सब डिवीजन जब करते हैं तो उसमें कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश शामिल है तो प्रश्न नंबर जो तीन का जो जवाब होगा वो एक होगा आपके क्लास नोट्स में भी है आपको ऑनलाइन भी करवाया गया है आप इसको आसानी से देख सकते हो दोस्तों यस क्वेश्चन नंबर चार देखिए क्वेश्चन नंबर चार पहली बार आइसोथ्रम्स की बात कर रहा है। वर्ल्ड के मैप पर तैयार करने का शहरी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड को दिया जाता है आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या हो गया दो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच है वर्ष 2011 की जनगणना इसमें देखिए जीरो से छ आयु वर्ग में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की यहां पर बात की जा रही है इसका आंसर क्या हो गया चार क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर चार हो गया आपका देखिए हो सकता है सीक्वेंस किसी के अलग अलग हो आप प्रश्न को जरूर पढ़ने में उस प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है मेरे प्रश्न पत्र की जो सीक्वेंस है वो पाँच नंबर की है पांच क्वेश्चन नंबर जो पांच उसमें जुन है उसमें बांसवाड़ा और झुंझुनू है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर जो छ है देखिए वापिस से वही आर्थिक भारत के आर्थिक प्रदेश से रिलेटेड है जिसमें वही 1968 का पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव का क्लासिफिकेशन है जिसमें भारत के आ, मैक्रो और मीजो मैक्रो कितने और मिजो जो अभी बात कर रहे थे सात और बयालीस में इसको डिवाइड किया गया है सात और बयालीस दोस्तों आपके क्लास नोट्स में इट ये प्रश्न है आपको जब हमने टेस्ट श्रृंखला चलाई थी टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव जब डिटेल करवाया था तब भी इन पर अपन ने इनका जवाब देख लिया था तो क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर क्या होगा तीन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात देखिए थॉनवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभाविता सूचकांक की बात कर रहा है प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स की बात कर रहा है ये मैंने आपको टेबल पूरी नोट करवाई थी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग लेस देन सिक्सटीन इसका आंसर क्या होगा चार थॉनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभाविता सूचकांक क्या होगा लेस देन सिक्सटीन आंसर चार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात डायरेक्ट बात करता है मृत्यु घाटी ग्राबेन का एक अच्छा उदाहरण है ये कहाँ है देखिए इसमें दक्षिणी कैलिफोर्निया इसका संबंध किससे दक्षिणी कैलिफोर्निया आंसर इसका तीन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नौ क्वेश्चन नंबर नौ देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है पहले आपके माइंड में ये मेकअप होना चाहिए कि संबंधित प्रश्न कहाँ से हैं ये आपके इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न हैं मैं सभी साथियों से अपील करूंगा लाइक करें शेयर करें तमाम जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं प्यारे दोस्तों इस पूरे के पूरे लेक्चरर को पूरे राजस्थान में जहां हमारे ज्योग्राफी के जितने भी विद्यार्थियों ने इस इम्तहान दिया है उससे अपन को इसको रिलेटेड करना है सभी छात्रों से मेरी अपील है कि लाइक करें शेयर करें लाइक करें शेयर करें यस मेरे प्यारे दोस्तों पेपर से संबंधित जितने भी जो तथ्यात्मक बातें जो फैक्ट्स है वो सब कुछ अभी समय समय पर आपको अवगत करवा दिए जाएंगे तो पहला प्रश्न देखिए क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत विचार क्षेत्र संक्र का सही अनुक्रम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये प्रश्न पहले भी अपन ने बात की थी हमारे जब टेस्ट सीरीज चले थे इसका आंसर हो गया चार पॉलिटिकल विचार निर्णय गति क्षेत्र और पॉलिटिकल एरिया से लास्ट इसमें चार नंबर नौ का चार क्वेश्चन नंबर देखिए दस है जेपीडी अवधारणा किसके द्वारा दी गई वाइगोत्स्की के द्वारा दस का कितना हो गया तीन नौ का चार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा फैल्सफार ये फैल्सफार की बात कर रहा डायरेक्ट अजमेर चले जाइए अजमेर इसका आंसर होगा नेक्स्ट समान निरूपक भिन्न पर निम्नलिखित में से किस मापनी पर दूरी को अधिक डिस्टेंस को अधिक बारीकी से दिखाया जाता है जब अपने स्केल की बात की तो अलग अलग प्रकार के स्केल की बात की थी यहाँ जो राइट आंसर होगा वो विकिरण मापनी होगा आंसर क्या होगा चार होगा क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर क्या होगा? चार हो गया हाँ सर सोचो कि करवा देना हाँ बिल्कुल पूरा डिटेल होगा यस आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तेरा हाँ क्वेश्चन नंबर जो तेरह है वो ज्योमफोलॉजी से रिलेटेड है जिसमें एग्जाम्पल की बात की जा रही है uh, सिंडर कंपोजिट बेसिक और एसिड लावा जो एग्जाम्पल है वहां से ये मुख्य रूप से ये प्रश्न बना है इसका जो जवाब होगा देखिए क्या हो सकता है देखिए आप आंसर इसका दो होगा संगत कीजिए सम्मिलित कीजिए ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर तेरह का दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ते फोर्टीन फोरटीन में देखिए यहाँ जो बात की जा रही है वो वर्ल्ड लेवल पर की जा रही है और बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी देशों की बात की जा रही है बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया गिनी और चीनी और ब्राज़ील है ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पर है दो नंबर पर गिनी है तीन नंबर पर चीन और फिर ब्राजील है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो है ये साइको का क्वेश्चन है मैं लिख देता किसका क्वेश्चन है ये साइको का क्वेश्चन है साइको आप संबंधित एक्सपर्ट से देखेंगे दोस्तों यहाँ केवल अपन ज्योग्राफी के ही प्रश्नों पर बात करेंगे 130 प्रश्न जो लगभग हमारे ज्योग्राफी के हैं उस पर बात करेंगे साइको के प्रश्नों पर आप उनको स्वयं को देखेंगे नेक्स्ट आर एफ इसमें देखिए कौन सी आर एफ कौन सा स्टेटमेंट स्केल है उसको किसके इजकल टू है यदि अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसके आंसर क्या आते हैं दो आंसर इसका सोलह का दो करें एक अनुपात एक जीरो फोर सेवन सिक्स किसका आंसर आपको करना है ये कार्टोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सोलह देखिए हो गए सत्रह देखिए सत्रह का ग्रेट बैरियर रीप का लोकेशन पूछा डायरेक्ट ग्रेट बैरियर रीप की लोकेशन पूछी है तो इसने इसमें लिखा ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के तट पर तट से थोड़ा दूर है उत्तरी पूर्वी या अपनी कोरल सागर में ग्रेट बैरियर रीप साइको के प्रश्न दोस्तों आपको स्वयं को देखना है नेक्स्ट इसमें भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है यह कथन किसका था जैसा कि आपको पता है कि फादर ऑफ कार्टोग्राफर अनेक्सामड्री को कहते हैं तो यह स्टेटमेंट में अनेक्समेंडर ने दिया था प्रश्न नंबर अठारह का एक आंसर करें वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उन्नीस किसने समर्थन किया था कि इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति जलवायु के द्वारा निर्धारित होती है किसी भी स्थान विशेष की सभ्यता संस्कृति या उसका जो डेवलपमेंट के जो विकास की जो बात की जा रही थी वो किसके द्वारा हटिंगटन के द्वारा हटिंगटन इस संदर्भ में बात करता है कई बार आपको इस प्रश्न को दोस्तों आपको हमने अवगत करवाया है पढ़ाया है टेस्ट सीरीज में भी इसको दिया है नेक्स्ट है न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है न अंत होने की कोई आशा है ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है देखिए एक रूपतावाद से संबंधित सिद्धांत है उनकी अपने डिटेल बात की थी और वहां जब एक रूपतावास सिद्धांत की जब बात आई थी तो अपन ने जेम्स सटन की यहां पर बात की थी क्वेश्चन नंबर जो बीस है उसका आंसर क्या करेंगे दो करेंगे आप इनके साथ के साथ देखिए आंसर लगाती हुई चले क्वेश्चन नंबर बीस का जेम्स शटन क्या करेंगे जेम्स शटन आगे चलें नेक्स्ट देखिए नेक्स क्वेश्चन नंबर इक्कीस 21... ये सभी प्रश्न दोस्तों हमारे क्लास नोट्स में से है सभी प्रश्न हमारे क्लास नोट्स में से लगभग हाँ ये जरूर कहता हूँ कि जो करंट के प्रश्न थे दो चार वो प्रश्न जरूर एक तरह से जो तथ्य थे फैक्ट्स थे वो बाहर से आए बाकी लगभग अपने क्लास नोट्स में से और टेस्ट सीरीज में से प्रश्न आए जिस बच्चे ने अगर डिटेल पढ़ा हो तो उनको कोई समस्या नहीं आई होगी यहाँ पर सभी साथियों को नमस्कार लाइक करें शेयर करें यस नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन है रिमलैंड सिद्धांत समझाता है रिमलैंड जो सिद्धांत है स्थल व समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष की बात करता है हरदय स्थल सिद्धांत और रिमलैंड सिद्धांत जो दो सिद्धांत हैं मैकेड्रा और स्पाइकमैन का मैकेण्रा और स्पाइकमैन के सिद्धांत हैं जो स्थल और समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष की बात करता है डिटेल अपने खूब पढ़ा है वहां पहले नेक्स्ट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नंबर जो 22 है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्थान विशेष पर अलग अलग नाम से जानते हैं जैसे भारत पूर्वोत्तर भारत में जूमिंग कहते हैं तमराई ये जो तमराई है वो वेनेजुला में नहीं कहते हैं मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं लद्दाख इंडोनेशिया में कहते हैं आंसर क्या हो गया तमराई तमराई कहाँ कहते हैं थाईलैंड में कहते हैं तमराई कहाँ कहते हैं थाईलैंड में कहते हैं सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत मैं कहूंगा धन्यवाद कि आप इस समय भी पढ़ाई कर रहे हो और अपने पेपर को देख रहे हो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित से सिलेक्शन के नज़दीक चल रहे हैं यस yes. आगे देखिए ये जो प्रश्न है तेईस नंबर का ये भी साइको से रिलेटेड है इस पर अपन बात नहीं करेंगे नेक्स्ट है भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय इसमें यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है एग्रोफॉरेस्ट्री एग्रोफॉरेस्ट्री इसमें कृषि मंत्रालय के अधीन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बहुत प्यारा प्रश्न है बहुत सिंपल प्रश्न है देखिए कई प्रश्न तो बहुत इजी दिए हैं लेकिन कुछ प्रश्नों का लेवल बहुत हाई भी दिया है यहाँ पर लेकिन जो बच्चा नियमित और रेगुलर पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आई है ये जो पेपर वही बच्चा करवाया जो लंबे समय के साथ पूरे सिलेबस को जिसने टच कर रखा है जिसको पूरे सिलेबस को जिसने खंगाल रखा अच्छी तरह से जिसने पढ़ाई कर रखी वही बच्चा इस प्रश्न पत्र को कर सकता है काफी बच्चे लाइव चल रहे हैं मैं आपसे अपील करूंगा लाइक करें और एक दूसरे को शेयर कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए नेक्स्ट सम्मित सिमित और असमित वलन के बारे में बात कर रहा है क्या है ये वलन के प्रकार है प्रश्न नंबर वन क्या है ये वलन के प्रकार है फिर छब्बीस है पुस्तक किसकी है जे स्टेयर्स की है क्वेश्चन इसका आंसर करें वन छब्बीस का वन जितने भी आपके तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनका भी दोस्तों अपन यहाँ विश्लेषण करेंगे इसलिए आप सभी छात्र यहीं बैठे रहें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अट्ठाइस है अट्ठाइस से है विश्व प्रसिद्ध बिकनी अटल की बात कर रहा है ये किसका पार्ट है ये मार्शल द्वीप समूह का है मार्शल द्वीप समूह ये मध्य प्रशांत महासागर के अंतर्गत या उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो लगभग 2880 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत तलावा है उसी के अंतर्गत यह बिकनी एटाल स्थित है इसका आंसर करें 28 का दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर जो 29 देखिए eh, देख के बताए 29 नंबर का देखिए आंसर क्या होगा निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेप में कौन सा निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेप में कौन सा रेखा का प्रदर्शन नहीं किया गया है यहां केंद्रीय दूमध्य केंद्रीय ध्रुवीय ख प्रक्षेप इसका आंसर करना आपको तीन तीन करना है फिर क्वेश्चन नंबर थर्टी साइको का है इस पर अपन बात नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जो थर्टी वन है वह है कौन सी महासागरीय धाराएं गर्म प्रकृति की है कौन सी महासागरीय धाराएं गर्म प्रकृति है अब इसमें केवल गर्म देखना है कौन सी अगुलास की धारा आप सबको पता है बेंगुला की धारा है ठंडी है हमबोल्ड की धारा ठंडी है ओएशियो की धारा ठंडी है कौन से मासागरम बहती है सब कुछ ने डिटेल में पढ़ा दिया है केवल अभी इतना ही याद रखना है आपको थर्टी का दो ठीक है फिर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में ये बीकानेर में है बहुत ही अच्छा प्रश्न है हॉर्टिकल्चर वाला है सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देखिए मैंग्रोव मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति कहां पर डायरेक्ट कर्सन का डेल्टा तटवर्ती भागों पर नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है नेक्स्ट 34 ये भी साइको का प्रश्न है अपन साइको वाले प्रश्नों पर यहां पर बात नहीं कर रहे हैं हां देखिए क्वेश्चन नंबर जो 35 है कोपेन के अनुसार ये बात कर रहा है भारत के कोपेन का वर्गीकरण जैसा कि तो अपने वर्ल्ड के रिगार्डिंग इंडिया और राजस्थान के रिगार्डिंग काफी पढ़ा है प्रश्न भी हमेशा राजस्थान और इंडिया से संबंधित आते रहे आए भी हैं तो इसमें जो बी जो एस है ये प्रश्न पूछ रहा है कि संगत नहीं है कोंकण तट बी एस एस डब्ल्यू नहीं है प्रश्न नंबर पैंतीस का तीन हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सिक्स इसमें ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके जो व्यापार था उससे रिलेटेड प्रश्न था और संबंधित यहाँ जो पूछा गया है प्रादेशिक समूह है ये और इनके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका ये कॉलम दिया हुआ है तो सी के सदस्य कौन है ओपेक साप्टा आशियान आप संगत कीजिए सुमलित कीजिए थर्टी सिक्स में आंसर कीजिए दो ठीक है सी आई एस अजरबैजान है ओपेक नाइजीरिया है साप्टा श्रीलंका है आशियान मलेशिया ये सदस्य राष्ट्र हैं ये इनके सदस्य राष्ट्र हैं वो आपको इसमें जो आंसर होगा थर्टी सिक्स का क्या होगा दो होगा बहुत अच्छी बात है शरवण जाकर तीन सौ तीस प्लस हो रहे हैं बधाई के पात्र हैं आपका चयन तो सुनिश्चित है जिस लड़के ने थ्री हंड्रेड पार कर लिए वो तो कोई को, कोई उसको रोकने वाला नहीं है हालांकि मैं अभी पूरी आपको डिटेल बता दूंगा कौन सी कैटेगरी में कौन सा बच्चा कहाँ जा सकता है उसकी अभी अपन आगे बात करने जा रहे हैं एक बार पेपर सॉल्यूशन कर लें बधाई हो सर्वन बहुत अच्छी बात है आपके 330 प्लस हैं धन्यवाद यस आगे चलें क्वेश्चन नंबर ये बहुत इजी प्रश्न है राजस्थान से संबंधित वैसे राजस्थान के काफ़ी प्रश्न हैं नागपाड़ कहाँ हैं अजमेर में है एह, अड़तीस क्वेश्चन साइकोलॉजी का है लेकिन पुणे फिर कोपेन का क्लासिफिकेशन ए डब्ल्यू की बात कर रहा है अब ए डब्ल्यू अपन सीधे ही प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अपन नीचे चली जाइए दक्षिण राजस्थान में चली जाइए बांसवाड़ा, डूंगरपुर झालावाड़ और प्रतापगढ़ इसका आंसर थर्टी नाइन का तीन कर लीजिए, थ्री देखिए कोपेन से का, काफ़ी यहाँ प्रश्न बन रहे हैं क्वेश्चन फोर्टी देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी संगत कीजिए सुमलित कीजिए में से प्रश्न है ए, मर्दा के प्रकार हैं और वो कहाँ अगर आप युग में सुमलित करेंगे तो सी डी बी ए आंसर इसका तीन है ठीक है कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है एरिया इसमें बताया गया है नेक्स्ट फोर्टी वन बहुत प्यारा प्रश्न है डायरेक्शन को लेकर के प्रश्न है उत्तर से दक्षिण जब भी हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो इनका क्रम पूछा गया देखिए दोस्तों ए, सबसे पहले जुआन डी फ्यूगा अब जुआन डी फ्यूगा देखिए यहाँ आ रही है और जुआन डी फ्यूगा दो में भी आ रही है लेकिन इसके बाद में फिर कौन सी आती है कोकोस कौन सी आती है कोकोस फिर उसके बाद नजका आती है और उसके बाद इसको आती है तो प्रश्न नंबर फोर्टी जो वन है उसका आंसर क्या हो गया तीन फोर्टी वन का क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का आंसर क्या हो गया तीन देखिए दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है उत्तरी अमेरिका माध्यम के पश्चिम की तरफ या प्रशांत महासागर में पूर्वी तट पर देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो जो गौण प्लेटें हैं उन गौण प्लेटों का इसमें क्रम पूछा गया है हमने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पढ़ाते समय आपको ये मैपिंग भी करवाई थी जिस लड़के ने मैपिंग कर रखी है उसको कोई दिक्कत नहीं है वो बच्चा आसानी से इसको कर सकता है सबरण बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल तमाम काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं सभी बच्चे लाइक करें शेयर करें अपील करूंगा मैं समस्त राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षार्थियों से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं फोर्टी टू की प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है देखिए अपन ने प्रकार पड़ी थी तटीय होती है अवरोधक प्रवाल या एटाल होती है कटक प्रवाल भित्ति नहीं होती अपन ने तीन प्रकार की प्रवाल भित्ति पड़ी थी तो इसको देख करके अपन को यहाँ पर प्रत्युत्तर देना है नेक्स्ट दो 2000 की जनसंख्या जो नीति है उसको किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्टेबिलिटी लाने की बात की की थी 2045. 2045 ये प्रश्न भी अपन ने काफी कई बार परीक्षाओं में इसको पढ़ा है वहां पर जब पेपर सॉल्यूशन अपन ने किया है हा, 44 क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहां पर्टिकुलर बात की गई है कि पवन के द्वारा निर्मित कॉस्ट कॉक्स कॉम्ब कॉक्स कॉम्ब देखिये ये लैंडस्केप है पर्टिकुलर आर्थर ने यारडांग को बोला है यहां पर किसको बोला है यारडांग को बोला है 44 का करें, आप चार करें, 44 का का आंसर आंसर करें करें आप कितने होंगे चार नेक्स्ट कथन इस मर्दा में कले का प्रतिशत होता है ये मर्दा नीचे झालावाड़ बांसवाड़ा कोटा बूंदी आदि जिलों में है इस किस प्रकार की मिट्टी है अपन नाम से पता चला जब कोटा कले की परसेंटेज ज्यादा है कोटा बूंदी है वर्टी सॉल्स पैतालीस में आंसर क्या आ गया वर्टी शौल्स। वर्टी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सिक्स देखिए ये जो प्रश्न है ये हमारे यहाँ जी से संबंधित है और जी आई एस यहाँ मैंने एस डिटेल वहाँ करवाया था उससे रिलेटेड है स्थानिक सूचना तकनीकी से संबंधित जी से संबंधित प्रश्न है और वैसे अगर आप इस प्रश्न को देखना चाहते हो तो ट्वेल्थ क्लास की किताब देखना अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो किताब चल रही है किताब जो चल रही है उसमें दोस्तों इसका आपको आसानी से प्रश्न मिल जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है देखिए ध्यान से पढ़ें प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है परिपत्र विश्लेषण के लिए दक्ष ये कथन सही नहीं है बाकी और सबकी सब के सही है ये जो कत, जो कथन है ये वेक्टर मॉडल के लिए ये स्टेटमेंट किसके लिए वेक्टर ये रेस्टर मॉडल की बात कर रहे हैं ये वेक्टर मॉडल के लिए आता है वैक्टर मॉडल वैक्टर रेस्टर क्या होते हैं वो पन्ने उधर उसमें बात कर ली है रिलेटेड है जी से संबंधित क्वेश्चन है ट्वेल्थ ज्योग्राफी के अंतर्गत आप इस प्रश्न को देख सकते हो संभववाद की वकालत देखिए इसमें ग्रुप लेना है लुसियन फेब्रे है जीन ब्रूं से और साबर है ये ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 ये प्रश्न भी देखिए 48 देखिए क्वेश्चन नंबर जो 48 है ये आई से रिलेटेड प्रश्न है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड प्रश्न है तो देखिए इसमें जो 48 का जो प्रश्न है ये जब लॉन्च किया गया था ये जब कार्यक्रम जब लॉन्च किया गया था तब की ये बात कर रहा था कि कितने जिलों में और कितने राज्यों में प्रारंभ किया गया था सात जिले और सात राज्यों में ये एक तरह से काफी गहराई से प्रश्न लिया गया तथ्यात्मक प्रश्न है हो सकता है कई बच्चों ने पढ़ा नहीं हो लेकिन इसका संबंध इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये रिलेटेड प्रश्न इसका इसमें सात जिले और सात राज्य आएंगे ठीक है फिर एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है जा अपन रेस एंड माइग्रेशन की बात करते अपन ग्रिफिथ टेलर की बात करते आंसर क्या हो गया टेलर फोर्टी नाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी प्रवाल भित्ति से संबंधित हिम नियंत्रण सिद्धांत ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी की बात की जा रही है हिम्मत सिद्धांत की बात की जा रही है धन्यवाद नरेश बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का यस इसमें डेली आंसर क्या हो गया डेली आपको हमने यूनिट वाइज भी जब बात की अभी अपने एग्रीगेट टेस्ट लिया बार बार ये प्रश्न लगभग सभी प्रश्न आपके पड़े हुए हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था लेकिन पेपर को थोड़ा सा घुमाया गया है पेपर को थोड़ा सा घुमाया केवल समझने की जरूरत थी यहाँ पर जिस लड़के ने एकाग्रता के साथ अगर पेपर किया तो वो बच्चा आराम से सिलेक्शन ले लेगा या मैं ये कहूँ कि जो लड़का लंबे समय से स्टडी कर रहा है और सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ रहा है वो बच्चा आसानी से निकल जाएगा जो बच्चा सरफेस पे चल रहा था डेप्थ में बात नहीं कर रहा था वो बच्चा बहुत दोस्तों मुश्किल है क्योंकि यहाँ हर चीज़ डिटेल पूछी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपन बात करें आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देखिए अल्फ्रेड वेबर पदार्थ सूचकांक की बात कर रहा है खूब पढ़ाया मैंने आपको कि पदार्थ का मतलब क्या होता है uh, उत्पादित माल का बार अपॉन कच्चे माल का बार आंसर क्या हो गया एक आंसर क्या हो गया एक नेक्स्ट इसके नीचे है टू ये गार्टून झील की बात कर रहा है जो आर्टिफिशियल लेक है ये कृत्रिम झील है ये कैसी झील है ये ये कृत्रिम झील है पनामा देश में है पनामा नहर पर है आंसर क्या होगा चार ये पनामा नहर पनामा इश्टमस है ये पनामा इस्टमश आपके मैं ये कहूँगा कि इधर प्रशांत महासागर को अन्न महासागर से मिलाने का काम करती है या कॉलोन बंदरगाह को पनामा बंदरगाह से ये जोड़ती है आंसर होगा पनामा नहर ये आर्टिफिशियल लेक है जो पनामा देश में है पनामा नहर पर है फिफ्टी टू का यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री देखिए फिफ्टी थ्री राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न है इस बार राजस्थान ज्योग्राफी के काफ़ी प्रश्न आए हैं इनमें जो बच्चा राजस्थान ज्योग्राफी को गहराई से पढ़ रहा था उसके शायद कोई प्रश्न गलत नहीं हुए होंगे इसका आंसर तीन होगा इंदिरा ये लिफ्ट परियोजना की बात कर रहा जो चंबल नदी से रिलेटेड है और ये नवनेरा बैराज की बात कर रहा है जो काली सिंध पर कोटा में है अजान बांध ये गंभीर नदी पर है ईसरदा बांध ये बनास नदी पर है संगत कीजिए सुमालित कीजिए इस तरह से प्रश्न ये बन रहा है बहुत प्यारा प्रश्न है मनीष आ वेलकम मनीष कैसे कितने क्या स्कोर कर रहे हैं चैट बॉक्स में चैट कीजिए एक बार सब साथियों का क्या क्या स्थिति चल रही है सभी चैट बॉक्स में चैट कीजिए और मैं आशा करूंगा कि अधिकतम बच्चों को अपना वीडियो ये शेयर करें ये लेक्चरर सबके पास जाना चाहिए लाइक करें राजस्थान के काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं अपील करूंगा इसको लाइक करें शेयर करें यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी 54. देखिए जो 54 जो प्रश्न है ये अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड है अर्बन ज्योग्राफी से रिलेटेड इसका आंसर ई हार्वर्ड होगा उपनगर आंदोलन के बारे में बात कर रहा है मींस अर्बन ज्योग्राफी के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आंसर ई हार्वर्ड नेक्स्ट कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी कहाँ थी बेबीलोन हैंगिंग गार्डन कहाँ है बेबीलोन फिफ्टी फोर का आंसर क्या हो गया फोर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सिक्स देखिए यह चलवासी पशु चारण की मुख्य विशेषताओं की बात की जा रही है ये प्रश्न भी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है जहां पर अपन प्राथमिक द्वितीय क्रियाओं की जहां मुख्य रूप से अपन प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उनके संदर्भ में बात करते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है ये पूछ रहा है कि प्रमुख विशेषताएं इसमें ए और बी यानी चलवासी पशु चारण मौसमी प्रवास ट्रांसुमन ट्रांसुमन का मतलब ऋतु परिवर्तन के अनुसार संबंधित जो लोग हैं अपने पशुओं के साथ अपना स्थान बदल देते हैं तो स्थायी चारागाह में पशुपालन तो होगा नहीं पशुओं को बिक्रे तो पाला नहीं जाता यह जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है एक तरह से प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है फिफ्टी सिक्स का आंसर क्या हो गया तीन फिफ्टी सिक्स का आंसर क्या हो गया तीन नेक्स्ट देखिए फिफ्टी सेवन वेनिस एड्रियाटिक की रानी उत्तरी पूर्वी इटली कहाँ है उत्तरी पूर्वी इटली फैक्ट्स हैं तथ्य हैं केवल आपको याद रखना था इसको नेक्स्ट देखिए फोर्टी जो फिफ्टी जो एट क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी से है और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से है ये प्रश्न हमने टेस्टों में कई बार दिया भी है इसका आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर स्पाइकमैन अमेरिका से बिलोंग करते हैं कैजलैंड स्वीडन से थे मैकेंडर ब्रिटेन से थे ओ एच के स्पेट ऑस्ट्रेलिया से थे सम्बन्धित जो, जो जोग्राफर हैं या पॉलिटिकल जोग्राफर हैं वो इन देशों से रिलेटेड थे इनसे संबंधित थे हाँ सभी साथियों का नमस्कार राजीव क्या बात है राजीव यादव बहुत शानदार नंबर है बधाई के पात्र हैं 310 मार्क्स आ रहे हैं सर बहुत अच्छी बात है अभी पूरी जो जानकारी देंगे हम सब बच्चों का ऑल और एग्रीगेट पूरे राजस्थान से जो हमारे साथ संप्रेक्षण हुआ है पूरी रिपोर्ट मैं लास्ट में दोस्तों पेश करूंगा जब तक आप एक बार पेपर का सॉल्यूशन कर लें नरेश चौधरी धन्यवाद वेलकम आप सबका राजू यादव बहुत अच्छा बधाई के पात्र हैं मनीष मैं पहले से लेक्चरर हूँ बहुत बढ़िया एन एम आर अच्छा एन एम आर मुझे तो समझ के पढ़ा और रटा लेने के लिए ना ये पेपर और न दो हज़ार पंद्रह वाला था पेपर उसके लिए थे जो समझ के पढ़ा है बिल्कुल सही है आ रही बिल्कुल आ रही है आप सही बात कर रहे हो ये पढ़ने वाले बच्चे इस पेपर को कर सकते हैं हर कोई बच्चा इस पेपर को नहीं कर सकता है प्रश्न बहुत मतलब अच्छे प्रश्न है अच्छे लेवल के प्रश्न है यस yes, देखिए 59 जो क्वेश्चन है 59 में संबंधित श्रेणी कौन से दर्रे से रिलेटेड नहीं है तोलादार श्रेणी सिप दर्रा ये इस पर नहीं है बाकी सभी रिलेटेड हैं नेक्स्ट चामल की देखिए तीनों फसलों की अपन ने बात की थी अमन ओस बोरा ये पश्चिम बंगाल असम में उत्पादित की जाती है पश्चिम बंगाल और असम में उत्पादित की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इसमें इंश्योरेंस की बात की जा रही है इंश्योरेंस का मतलब सेवाएं हैं और सेवाएं में आती है तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत या तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है इसका आंसर क्या हो गया थर्ड हो गया इसका आंसर सिक्सटी टू देखिए दोस्तों जो सिक्सटी टू है ये प्रश्न यहाँ साइको का है हाँ नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2020 के अनुसार विश्व की जनसंख्या अभी जुलाई 2022 में ही बात की गई थी कि जनसंख्या 8 अरब होने का अनुमान है ये 2022 की ही बात है लगभग आठ अरब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमानित किए ये तथ्य हैं फैक्ट्स हैं आप इसको इसकी साइट पे जाके इसका प्रॉपर रूप से इसको देख भी सकते हैं पंद्रह नवंबर 2022 हजार बाईस पंद्रह ये देखिए इसमें लिख लें पंद्रह नवंबर 2022 को वर्ल्ड की पॉपुलेशन आठ अरब होने का अनुमान अनुमानित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने आने वाली 15 नवंबर 2022 को हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी 8 अरब हो जाएगी आने वाला 15 नवंबर 15 नवंबर कैर इसमें दिया हुआ नहीं है आप तो इसमें 2022 से ही याद रख लें ठीक है यस नेक्स्ट ये भी प्रश्न है इसके 67 भूगोल में मानववादी उपागम की बात 67 पर आ जाइए इससे पहले के सबके सब के सहायकों सब के थे मानवीय उपागम या ह्यूमिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है मानवतावादी धारणा की बात कर रहा है ये तुआन साहब हैं इसके ई है? फ्यू त्युआन नेक्स्ट दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की यहाँ पर डायरेक्शन पूछी गई है देखिए बहुत सामान्य प्रश्न है लेकिन हो सकता है कुछ छात्र ऐसे प्रश्नों को गलत भी कर देते हैं तो यहां अगर डायरेक्शन की बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर अगर ये इक्वेटर हो और इस तरह से तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है 68 का एक कर लें नेक्स्ट 69. 69 क्वेश्चन मतलब राजस्थान से उद्गम स्थल नहीं है इसके बारे में ये बात कर रहा है कि कौन सा समूह जिसका राजस्थान से उदगम नहीं है तो इसमें देखें तो गंभीरी पार्वती काली सिंध और परवन, इन सब नदियों का राजस्थान से उद्गम नहीं है ये पूरा का पूरा एक जोड़ा है उसको उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें देखना है तो सिक्सटी नाइन का जो आंसर करें तीन नंबर कीजिए तीन नंबर सेवेंटी सेवनटी देखिए बड़ा प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है एजिट आपके क्लास नोट्स में से ही आया हुआ है जो रेगुलर बच्चे हैं या जो ऑफलाइन या, या जो ऑनलाइन बच्चे थे उन्होंने शायद इसको कर भी लिया होगा इसका आंसर ए तथा बी यानी ए और बी उपयोग सही उत्तर पहली पेटी फल सब्जी बागवानी से रिलेटेड थी दूसरी जलाओ लकड़ी से रिलेटेड थी बाकी संगत नहीं है सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर क्या हो गया तीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन देखिए जो सेवनटी वन है ये प्रश्न आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड है और स्टैटिक्स से रिलेटेड है जिसमें हम बात की थी थ्री एम माइनस टू एक्स बार इज कल टू जेड की बात की थी ये एक फॉर्मूला है जो इनमें मीन मोड मीडियन में रिलेशन होता है आपको करना कुछ नहीं था देखिए कुछ आंकड़े जैसे इसमें माध्य और बहुलक क्रमशः चार और दस माध्य और बहुलक दिया हुआ है यहाँ पर माध्य और बहुलक दिया है आप इस फॉर्मूला से इसकी कैलकुलेशन करके दोस्तों इसको करना है आप इसका आंसर क्या आ जाएगा जब इस कैलकुलेशन करोगे तो इसमें इसके माध्यिका क्या आ जाएगी सिक्स आ जाएगी थ्री एम माइनस टू एक्स बार से इसका कैलकुलेशन करना है आपके इसमें आंसर क्या आ जाएंगे आपको क्लास में बाकायदा एप्रेटिस के माध्यम से समझाया गया था और शायद मेरे हिसाब से इसको गलत नहीं किया होगा जो रेगुलर बच्चे हैं उन्होंने प्रश्न ये प्लेन टेबल की स्थिति निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है ये स्थिति निर्धारण के संदर्भ में बात कर रहा है जिसमें रिसेक्शन की बात करते हैं और ट्रैपसिंग की बात करते हैं ए एंड सी स्थिति निर्धारण और चक्रमण विधि स्थिति निर्धारण और चक्रमण विधि आंसर ए एंड सी ये होगा सेवेंटी थ्री का तीन कर लीजिए जिन बच्चों ने प्लेन टेबल सर्वे डिटेल नहीं पढ़ा है उन बच्चों के आंसर गलत हो सकते हैं उन बच्चों के आंसर गलत हो सकते हैं तो इसको देख लें आप चक्रमण विधि और हाँ सेवेंटी सेवेंटी टू बात हो चुकी है ऋषिकेश उत्तराखंड सर जी हम में ऋषिकेश को सिरोही में मान रखा है श्री राम कटेवा बेटा इसको एक बार और आप लोग कंफर्म कर लेना ऋषिकेश नहीं है माउंट आबू में नहीं है नेक्स्ट 74 फोर देखिए मापन की कौन सी विधि जिसमें प्रेशर और तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है स्पेसिफिक आंसर आएगा विशिष्ट आदरता स्पेसिफिक आदरता निरपेक्ष आदरता पर ठीक है तापमान का प्रभाव नहीं है लेकिन उस पर दाब का यहां ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की बात कर रहा है जब प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप स्पेसिफिक होमोडिटी की बात करेंगे नेक्स्ट दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत मेंटल में है किस में है मेंटल में नेक्स्ट uh, कौन सा मॉडल अम्लैंड अम्लैंड के अपने काफी बात की थी प्रभाव क्षत्रिय ऐसा कैसे अपने नोट्स में से क्वेश्चन उठ करके आए हैं ए बी सी कैरी का मॉडल कन्वर्स का मॉडल रैली का मॉडल इस सबके सब किस रिलेटेड है ये अम्लैंड या अम्लैंड का जो सीमांकन करते हैं उससे ये रिलेटेड है सेवनटी सिक्स का क्या हो गया ए नेक्स्ट सेवनटी सेवन देखिए ज्योग्राफी इन सेंचुरी के पुस्तक के लेखक कौन है ग्रिफिट टेलर कौन है ग्रिफिट टेलर नेक्स्ट सेवनटी देखिए इस बार देखिए राजस्थान ज्योग्राफी के काफी प्रश्न हैं लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी भी उन्हीं के क्लियर हो पाई है जो बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं जो बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उनके दिक्कत रही है इसमें देखिए ब्रह्मां नदी सुमालित कौन सी नहीं है ब्रह्मणी नदी और बाकी सुमालित है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 नाइन देखिए संगत ये थोड़े से रिलेटेड प्रश्न हैं जिसमें इसके आंसर दो कर लें व्यवहारवाद ओ एच के स्पेट मातृत्मक क्रांति विलियम क्रिक और अतिवाद आर पीट और ये परसंभाव्यवाद आई बर्टन ठीक है 79 नाइन का टू कर लें ये फिर साइको का है और क्वेश्चन नंबर 81 इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है ये इंडिया ज्योग्राफी में जो जल प्रदूषण था उससे रिलेटेड है ये जल अधिनियम लागू कब हुआ 1974 कब लागू हुआ 1974 नेक्स्ट है कोपेन के ये स्मॉल डब्लू की बात कर रहा है और स्मॉल डब्लू का मतलब विंटर ड्राई है शुष्क ऋतु है विंटर ड्राई। आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये जो बच्चे रेगुलर थे या ऑफलाइन थे मैंने आपको चंद्रमा की चार महीने इसमें क्वार्टर बताए थे प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जहाँ प्रथम और तृतीय चतुर्थांश या सेक्टर की जब हमने क्वार्टर की बात की थी इसमें पक्ष और कृष्ण पक्ष होने की वजह से सूर्य और इसकी चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति जो है वो समकोणिक स्थिति होने की वजह से लघु ज्वार की स्थितियाँ यहाँ पर आती है तो इसका आंसर क्या होगा सी और डी और यदि इसमें द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता तो वहाँ अमावस और पूर्णिमा होती और उस समय दीर्घ जोहार की परिस्थितियाँ होती 83 का आंसर कीजिए थ्री एटी थ्री का थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। देखिए दोस्तों 84 में आपको बोनस नंबर दिए जाएंगे ये प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होगा ये प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होगा डिलीट होने के मैं रीजन आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा कम वर्षा नहीं है सभी मौसम में अधिक वर्षा यह small होता है वर्ष पर्यंत अधिक वर्षा पर्याप्त वर्षा कम वर्षा नहीं है तो अगर देखते हैं तो यह सही सम्मिलित नहीं है ठीक है फिर उष्ण कटिबंधीय उप आदर जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा या स्मॉल जी है स्मॉल जी यहां सी डैश के साथ लगता ही नहीं है स्मॉल जी शब्दावली थॉनवेट के शब्दों में है ही नहीं है तो इसका मतलब यह भी कंफ्यूजन की स्थिति में मतलब गलत यह भी है गलत ये भी है और यदि आप और गहराई में अगर चलते हो तो देखिए लिखा B, w, लिखा हुआ बी ए स्मॉल डब्ल्यू जहां मेंटिबंधी आदर जलवायु ये तो ठीक है लेकिन यह लिखा शीतकाल में वर्षा कौन सी वर्षा पर्याप्त वर्षा कम वर्षा क्या स्थिति है यह स्मॉल डब्ल्यू का मतलब जो स्मॉल डब्लू शीतकाल में इसमें ये लिखा कम वर्षा या कम शब्द और आना चाहिए था तो देखा जाए तो ये भी एक तरह से इसका भी प्रॉपर सुमेलित नहीं है इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है हां ये हो सकता है कौन सा सही प्रॉपर सुमेलित है ये डी ए डैश डी स्मॉल डी ये राइट है कि सभी मौसम में कम वर्षा स्मॉल डी का मतलब डिफिशेंसी ऑफ रेनफॉल तो ये जो प्रश्न है मैं इसको डिलीट कर रहा हूं ये प्रश्न आपके डिलीट रहेगा क्योंकि इस प्रश्न के जो विकल्प हैं वो प्रॉपर रूप से संगत और सुमलित नहीं है हा पूजा लिख रहे हैं सर बहुत सोचा इसे लेकिन अब पता चल गया ना आपको मनी सारिय सर जी मेरा स्कोर कम है कोई बात नहीं ये प्रश्न प्रश्न को, इस, इस को डिलीट कर ले आरपीएससी इस प्रश्न को डिलीट करेगी निश्चित रूप से क्योंकि इसके जो विकल्प हैं वो ठीक नहीं है इसलिए आप 24 का कोई आंसर मैं नहीं दे रहा हूं यहां पर ओके okay? आगे चले आप क्वेश्चन नंबर 85 85 आपके साइको से संबंधित है और जो 86 सिक्स है जो मोरफोलॉजी कैटिल हमक आंसर क्या हो गया 86 का हमक नेक्स्ट दोस्तों बहुत प्यारा पेपर है ये बहुत अच्छा पेपर है पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे और मैं भी चाहता हूं और तमाम पढ़ने वाले बच्चे भी चाहते हैं कि वास्तव में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए जो बच्चा मेहनत करता है उस बच्चे को निश्चित रूप से चयन होना चाहिए और पेपर आर ने उसी अकॉर्डिंग बनाया है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है निश्चित रूप से वो बच्चा हंड्रेड वन परसेंट दोस्तों सिलेक्शन लेगा अब देखिए ये थॉट से रिलेटेड प्रश्न है और किसने कौन सी पुस्तकों के ऊपर बारे बात की जैसे हम्बोल्ट की बात करें हम्बोल्ट इसको संगत कीजिए सुमलित कीजिए हम्बोल्ट साहब ने कॉस्मोस की बात कर ली रिटर साहब ने अडकुंडे की बात की है अडकुंडे पुस्तक इन्हें की है हार्सोन की सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है ठीक है तो इसमें देखिए इनको संगत कीजिए सुमलित कीजिए क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन जो 87 का आंसर पहला ही आपके संगत हो रहा है क्वेश्चन नंबर जो 87 सेवन है सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसका आंसर चार हो रहा है प्रॉपर देखिए प्लीज ये नहीं हो रहा है इसका आंसर चार एटी का चार क्योंकि हम बोल्ड कॉस्मोस कॉस्मोस ठीक है रिटर, अडकुंडे की बात कर रहे हैं ये हो गया हार्टसोन दो नंबर एग्जाम की बात करें हटिंगटन बात करें सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट की बात करें 87 का आंसर चार कीजिए राइट 87 का आंसर चार कीजिए हाँ डी ही सही है बिल्कुल 87 डी ही सही है चार नंबर कीजिए ओके प्यारे दोस्तों आगे चलें हाँ अभी अपन देखेंगे आगे क्या स्थितियां देखते हैं है हा क्वेश्चन नंबर 88 देखिए जियोक्रेटिक की बात कर रहा है एक तरह से ये निश्चयवादी है ये क्या है ये निश्चयवाद हम्बोल्ड है रिटर हम है, है रेड जेल है सैंपल है ये सभी इन्होंने प्रकृति को सब कुछ माना है प्रकृति को सब कुछ यानी निश्चयवाद जियोक्रेटिक का मतलब निश्चयवाद प्रकृतिवाद नेक्स्ट देखिए 89, 89 का क्या होगा अगर इसमें कंडीशन दिए पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर कहा कनाडा के इधर आप अटलांटिक ओश्चन से पैसेफिक ओश्चन की जो जाएंगे तो पहले क्यूबेक फिर मिनी पे एक आएगा आंसर चार एटी नाइन का क्या हो गया चार नेक्स्ट 90, 90 का हां भाई काफी बच्चे देखिए लाइक करें शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करें शेयर करें सब साथी। मुझे मालूम है आज बहुत परेशानी में होंगे सुबह से आप परीक्षा दी होगी कोई दूर दराज किसी का सेंटर अपने उद्गम स्थान से दूर हो सकता है कोई अजमेर था कोई गंगानगर कोई हनुमानगढ़ कई साथी तो हो सकता रास्ते से अभी चल रहे होंगे अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पूछे होंगे खाना पीना भी नहीं हुआ होगा दोस्तों मैंने भी अभी खाना नहीं खाया है मैं भी परीक्षा कार्यों में तो व्यस्त होने की वजह से मैं पेपर लेट एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अन्यथा मैं पेपर आपका दो या तीन बजे एक्सप्लेन कर देता लेकिन मैं भी परीक्षा कार्यों में व्यस्त होने की वजह से मैं पेपर को दो या तीन बजे नहीं करा पाया लेट आया हूँ खाना मैंने भी नहीं खाया है खाना आप और अपन सब साथ साथ लेंगे एक बार पेपर को अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं यस दोस्तों मैं निवेदन करूँगा सब बच्चे इसको अप पूरे अपने जो लेक्चर हैं इसको शेयर करें और लाइक करें हेडन ने अपने पुस्तक देखिए हेडन की पुस्तक की बात की जा रही है तो रेसेज ऑफ मैन रेसेज ऑफ मैन इसको कम कर 90 का पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत जो मोर्फोलॉजी का है स्लोप एनालिसिस से संबंधित पर्स क्वेश्चन है एलसी किंग पढ़ाया था आपको द हिल्स कॉप साइकिल नेक्स्ट 92, ये 92 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्लास नोट्स में से ही है इट इसी फॉर्म में है आंसर सुमेलित नहीं है डॉल्फिन इसमें दिया हुआ दक्षिणी अटलांटिक महासागर जबकि डॉल्फिन उबार किसमें है उत्तरी अटलांटिक महासागर बाकी सब संगत है विविल टॉम्सन है वालविश है टेलीग्राफिक पठार है विविल टॉम्सन ये उत्तरी पूर्वी अटलांटिक की तरफ था ही टेलीग्राफिक ग्रीनलैंड के दक्षिण में था वालविश कटक जो चैलेंजर से निकल करके अफ्रीका की तरफ जा ही रहा था उस पर अपनी बात हो ही गई थी पहले पहले का मतलब मैं बात कर रहा हूं इसको आप देखिए चार वर्ग सेंटीमीटर सोलह वर्ग को दर्शाता है आर एफ की बात कर सीधा आंसर क्या हो गया एक अनुपात दो लाख एक अनुपात दो लाख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मानक विचलन स्टैटिक्स का प्रश्न है स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन समांतर माध्य से की जाती है अर्थमेटिक मीन से की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फाइव सामल लोकल विंड है कहाँ चलती है इराक में चलती है कहाँ चलती है इराक में चलती है लोकल विंड का ये अच्छा उदाहरण है नेक्स्ट नाइन्टी हाँ, सिक्स देखिए गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का ये दक्षिणी प्रदेश किसका है दक्षिणी हाड़ोती सेवन आपके साइको का है प्रश्न नंबर 98 ये 98 आपके वापस फिर इंडिया ज्योग्राफी में पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रश्न है जहां अपन को सही का सिलेक्शन करना है इसमें बी और सी पहला बी और सी सही है, ए गलत है और डी गलत है सही का सिलेक्शन करना है यहां पर हा क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन देखिए ये मानव विकास रिपोर्ट की बात कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है टॉप टेन देशों की बात कर रहा है टॉप टेन दो हजार बीस की रिपोर्ट की बात कर रहा है Uh, अगर 2020 हजार में अगर हम देखें तो यहां फिनलैंड नहीं है फिनलैंड टॉप टेन में नहीं है बाकी आइसलैंड डेनमार्क स्वीडन ये सबके सब क्या टॉप टेन के अंतर्गत है तो आपको यह सीक्वेंस याद रखनी थी कि कौन सा देश किसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 101 भारत का सबसे बड़ा परम राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है बिहार आंसर क्या हो जाएगा तीन ये आपको कई बार दिया भी था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो भारतीय मानसून सही नहीं है मानसून एक ग्रही पवन ये बाकी सब सही है हाँ देखिए दोस्तों एक तथ्य बहुत फैक्ट्स 103 आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि इसका आंसर क्या है एक फैक्ट लेकर आए हैं एक अपन फैक्ट लेके आए हैं इसको देखिए इंदिरा गांधी नहर विभाग के अनुसार लिप नहरों की कुल लंबाई कितनी है 1495.45 किलोमीटर इसका आंसर दो करें ये आपको इंदिरा गांधी कैनाल की जो साइट है दोस्तों वहां मिल जाएगा मापक वाला बेटा एक बार आप सॉल्यूशन कर लें आप ढंग से देख लें इसकी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 सौ चार क्वेश्चन नंबर चार प्रश्न पर विचार करना है मिशित कशी मिक्स्ड एग्रीकल्चर अब मिक्स एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है मिक्स एग्रीकल्चर का मतलब है टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को साथ करना क्या कहलाता है मिश्रित कृषि तो इसमें देखिए विकसित देशों के द्वारा नहीं होगा कृषि के भूमि का आकार मध्यम होता है चारे की फसल तो होगी होगी जब पशुपालन होगा तो हम यदि इसके कैलकुलेशन करते हैं इसके अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा बी और सी ए 104 का आंसर क्या हो गया ए बेटा सही है स्केल का बिल्कुल सही है हा 104, आंसर क्या हो गया बी एंड सी ओके okay, आगे चल रहे हैं आ रही बेटा थोड़ा कैलकुलेशन सही कर ले सही है 105 कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा है इसमें नहीं है बिलाली पर्वत बरवाड़ा डोरा बरवाड़ा पर्वत 105 में क्या होगा बरवाड़ा पर्वत बहुत सिंपल सीधा प्रश्न है विश्वत रेखा पर एस डिग्री ध्रुव पर ये चालीस से पैंतालीस डिग्री जेम्स सटन सत्रह कई लड़कों ने सत्रह कर दिया जल्दी में इंटेलिजेंट लड़कों ने जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान ही दिया वो डायरेक्ट पैंसठ कर दिया जो कि गलत हो गया ठीक है 107 का तीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 108 कटक की बात की जा रही है जैसे रिजिज की बात करें हिमानी आंसर क्या हो गया हिमानी, दातेदार कटक बहुत प्यारा प्रश्न था ये कई प्रश्नों के तो केवल आपको देख करके ही जवाब देना था प्लिस्टोसिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नेब्रिस्कान कंसान इलिनोइन विस्कॉनसिन आंसर दो ये क्रमश चार हिमयुग थे ग्लेशियल पीरियड और इनके बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड मतलब बर्फ का पिघलना भी प्रारंभ हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 आपका साइको का है आप स्वयं देखेंगे 111 प्रश्न अमेरिका के जंग का कटोरा पीट्सबर्ग को कहते हैं पीट्सबर्ग 111 का क्या होगा पीट्सबर्ग पूरे आपके क्लास नोट्स में से और ऑनलाइन जो पढ़ाया गया उसमें सता केवल जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज रेगुलर की है उसने गलत नहीं किया है जैसलमेर अकल वुड फॉसिल्स की आयु की बात करें लगभग 18 करोड़ वर्ष लगभग 18 करोड़ वर्ष नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर uh, 113 बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 अच्छा प्रश्न है uh, 1926 में मद्रास यानी चेन्नई विश्वविद्यालय हुई किसकी -किस स्थापना की गई थी द इंडियन जोग्राफिकल सोसाइटी आंसर ए करना इसका 113 का द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी चेन्नई मद्रास 1926 में संस्था की स्थापना की गई थी साथ के साथ अपने अपने नंबर भी बताते हुए चले कर एक बार बाद में एक बार इससे कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों कई बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं बधाई के पात्र हैं बहुत अच्छी बात है जीके और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर के चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए आप तमाम सभी राजस्थान के विद्यार्थियों का शुक्रिया कि इतनी रात को भी आप लाइव क्लास देख रहे हैं और अपने मेहनत का मूल्यांकन करने कर रहे हैं एक आशा और उम्मीद के साथ कि हम सिलेक्शन के किस पार हैं इस वर्ष से मैं भी यही चाहता हूं कि आप तमाम सभी छात्रों का सिलेक्शन हो दोस्तों अपील करूंगा लाइक करें शेयर करें मैक्सिमम आपके दोस्तों के पास से इसको पहुँचाने का तकलीफ करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेंटल मैप ये कई बार प्रश्न आता है गोल्ड और वाइट का है नेट जैसी परीक्षाओं में फिर वायुमंडल में तापक्रम के में परिवर्तन का रुदोष्म परिवर्तन का मतलब है बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया है बाहर से कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ है केवल वायु के, के प्रसार और संपीड़न की वजह से वायु की कूलिंग चलती है वायु का यहाँ पर शीतलन चलता है वायु का यहां पर शीतलन चलता है ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में दिया हुआ है नेक्स्ट भारतीय जनगणना 2000 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, 4.91 वन परसेंट ये तथ्य हैं, थोड़ा सा याद रखना है तथ्य भी हैं, कंसेप्ट आधारित भी हैं, दोनों तरफ से इन्होंने क्वेश्चन किए हैं नेक्स्ट काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसने लिखा नमी धारण क्षमता कम होती है बहुत अधिक होती है सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल की होती है कौन सा कथन सही नहीं है आंसर क्या करोगे चार करोगे आप नेक्स्ट 118 ये आपके साइको का है और 119 आपके राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये कंटर्म्स एंड कंडीशन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में ये बात कर रहा है कि उपरोक्त कथन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हैं पता चल रहा है बिहेड़ भूमि पाई जाती है बिहेड़ का नाम लेती सीधे करौली सवाई माधोपुर कहीं कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं थी आंसर दो ठीक है बाकी की कंडीशन तो थी थी तो एक अगर आपको फीचर याद है तो दूसरे को रिलेटेड कर आप इनके आंसर दे सकते हो क्वेश्चन नंबर वही एग्रीकल्चर इसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वापिस प्रश्न आ गया है अल्फ्रेड वेबर श्रम लागत सूचकांक की श्रम लागत सूचकांक की एक कैलकुलेशन कर रहा है देखिए वेबर साहब का दो प्रश्न आ गए पहले भी अपन ने इस पर बात कर ली थी इसी तरह से एक प्रश्न पहले था फिर ये फिर बाद में फिर आ गया श्रम लागत सूचकांक की बात की जा रही है श्रम लागत सूचकांक का मतलब उत्पादित वस्तु का कुल बार अपॉन श्रम लागत आंसर वन इसका आंसर क्या हो गया एक नेक्स्ट ये देखिए ये परिभाषा आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में जो अभी ट्वेल्थ क्लास में जो चल रही ह्यूमन ज्योग्राफी वहां से इसको उठाया है फेडरिक रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है ये बात फेडरिक रेडजेल ने इसका मतलब इलेवन ट्वेल्थ की किताबों से भी दोस्तों आपके इसमें पेपर में प्रश्न आए हैं डायरेक्ट परीक्षक ने इलेवन ट्वेल्थ की किताबों से सीधे प्रश्न उठाए हैं लैंग्वेज को कतई चेंज नहीं किया है ये क्वेश्चन आपके क्लास ह्यूमन ज्योग्राफी से सीधा प्रश्न आया है आपका जो जी की बात की थी वो भी आपके ट्वेल्थ क्लास प्रैक्टिकल से सीधा प्रश्न आया है नेक्स्ट देखिए एक जो बाईस क्वेश्चन है एक का पढ़िए एक क्वेश्चन कह रहा है ये राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है कौन सी नदी जो बेमेल है बाकी सब एक दूसरे की सहायक नदियां हैं पार्वती नदी मोरेन ये बेमेल है बाकी बनास मैनाल सुमेलित है लोणी सागी साबरमती वाकल सुमेलित है एक सौ तेईस में कौन सा सुमेलित नहीं है लोहा बाकी सोना आनंदपुर भूकिया आपका बांसवाड़ा मैग्नीज लीलवाली शीशा जस्ता मोशिया मागरा मोशिया मागरा टिस्को किस स्थापना नोट करवा दी थी 1907 आंसर दो वेबर साहब वापिस आ गए अल्फ्रेड पदार्थ सूचकांक एक होने पर अधिकतम लाभ उद्योग की स्थापना पर कहा होगा बाजार में 126 देखिए ये आपके इसके ओशियनोग्राफी का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126 सीक्वेंस की बात कर रहा है लवणों के घटते क्रम में प्रतिशत को लवणों को घटते सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड फिर मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट तो आंसर इसमें एक 126 का आंसर क्या हो गया एक नेक्स्ट हाँ सौ सत्ताईस एक सौ में आंसर करें दो नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें कौन सा सुमेलित है सॉरी सुमेलित है अंबुजा और जेके सीमेंट ये दो ही सुमेलित है बाकी दोनों सुमेलित नहीं है आंसर एक का दो करें देखिए एक जो नंबर जो 128 है ये जनसंख्या सिद्धांत पर ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की जो बात की थी थॉम्स रॉबर्ट माल्टस ने की थी आंसर करें एक नंबर ना आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर कौन सा एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड है कार्टोग्राफी का है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप एक का एक करें 130, देखिए 130 को जहां आपदाओं के देखिए डिजास्टर से संबंधित प्रश्न है और डिजास्टर से बहुत प्यारा प्रश्न आया है आंसर एक करें एक का मतलब बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में है ड्रोट मुख्य रूप से झारखंड उत्तरी उड़ीसा से रिलेटेड है और जो साइक्लेन मध्य साइक्लोन चक्रवात मध्य पूर्वी भारत और भूकंप हिमालय का ग्रीपादी क्षेत्र एक नंबर अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130 वायोड लॉयस अवसादी चट्टान है लॉयस क्या है निक्षेपण हो रहा है मिट्टी का निक्षेपण हो रहा है इसका मतलब क्या हो गई ये अवसादी चट्टान है देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जीआईएस से रिलेटेड है जीआईएस से रिलेटेड प्रश्न है कार्टोग्राफी का है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया एडविन कैनन आंसर क्या हो जाएगा दो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का है क्षत्रियरूपता सिद्धांत प्रतिपादन एस बी जॉन्स ये वापस पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर जो 135 है ये 135 सौ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है डिनारिक प्रजाति के बारे में बात कर रहा है और डिनारिक का जो संबंध है काकेसट प्रजाति से किससे है काकेसट दुआर स्थलाकृति दुआर फॉर्मेशन फॉर्मेशन का मतलब होता है फ्लड प्लेन से संबंधित सिक्किम हिमालय इसका आंसर सिक्किम हिमालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें जियोस्टैटिक सेटेलाइट की बात कर रहा है जियोस्टैटिक जियो का मतलब छह किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट यहां पर स्थापित लॉन्च किए जाते हैं इनसेट वाली जो सीरीज है वो सब के सब दोस्तों उसमें शामिल है इनसेट निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्ते उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह एक सौ जो सैतीस है उसमें इनसेट छत्तीस हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकोपन स्थापित करते हैं एक सौ का है 140 कई बार करवाया है ऊंचा स्तंभ कम घनत्व नीचा स्तंभ अधिक ये बात कौन कहते हैं प्राट मोदे कहते हैं कौन कहते हैं ये बात प्राट मोदे कौन कहते हैं ये बात प्राट मोदे कहते हैं कभी एरी पूछता है कभी प्राट पूछता है देखिए वैसे तो प्रश्न अगर जो हमेशा जहाँ से पूछे जा रहे हैं उसी के लेफ्ट राइट गए हैं ऐसा नहीं कि अचानक कहीं सोचे कि यार पेपर कहाँ से आ गया जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा 141। एक सौ इकतालीस एक सौ जो इकतालीस है एक सौ इकतालीस क्वेश्चन बात कर रहा है राजस्थान से संबंधित साक्षरता के बारे में बात कर रहा है और ये क्वेश्चन सही की बात कर रहे हैं ए सही है और डी सही है इसमें एक नंबर ये तथ्य हैं थोड़ा सा आपको ध्यान में करने के रखना होगा 142 सौ में 2001 में राजस्थान में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 2011 में सॉरी 2011 में राजस्थान में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या की बात कर रहा है संख्या देखिए प्रत्याश प्र सिद्धांत रीड साहब का जो था इसने पर्टिकुलर देखिए इसको पढ़िए यहाँ पर टेक्टोनिक अर्थक्वेक आर क्लोजली क्लोज किससे निकट ब्रंसन से केवल एक करना, करना है सबसे निकट निकटन की बात करना पर हा यह क्वेश्चन पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित है यह प्रश्न जनसंख्या भूगोल से संबंधित है प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा ये कथन किसके द्वारा था ये मालतस का स्टेटमेंट है ये 145 ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है ये फिर वापस जियोमोर्फोलॉजी का है ढाल स्पेशन से स्लोप एनालिसिस से है आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उत्तल ढाल मुक्त प्रस्ताव सरल रेखात्मकता अवतलता ये ढाल आपको देखने को मिलेंगे 146 का एक नेक्स्ट uh, संदूर हॉस्पेट लो एस उत्पादक क्षेत्र है बेलारी बेलारी का है कर्नाट नेक्स्ट इसमें 148 ये दोस्तों थोड़ का क्वेश्चन था पीजी लेवल पर प्रश्न बन, बन रहा था ये पीजी लेवल पर इसका आंसर करें एक आंसर एक कर लें 48 का 48 का एक नेक्स्ट 149 आपके साइको से संबंधित प्रश्न है और जो 50 क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी से प्रश्न है ट्वेल्थ में अभी जो किताब चल रही है NCRT वाली कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डायरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है उत्तरी पश्चिमी यूरोप है कनाडा है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और मलेशिया आंसर क्या हो गया तीन आंसर क्या हो गया तीन तो देखिए दोस्तों आपको मैं इतना बता दूं अभी जो अपन ने पूरी जो बातचीत की है वो पूरे प्रश्न पत्र पर डिटेल बात की है सटीक बात की है मैं जहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक पूरे राजस्थान के बच्चों से भी मेरी वार्तालाप हुई है कि मेरिट इस पेपर की क्या जा सकती है पेपर का कंक्लूजन क्या है क्लियर है कि मैं इतना बता दूँ कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा जो बच्चा लगातार सिलेबस पर काम कर रहा है लगातार ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहा था वही बच्चा सिलेक्शन दे पाएगा फिर यहाँ जो पेपर है फंडामेंटल था साथ में फैक्चुअल भी था तथ्य भी कई थे तथ्य कि इंदिरा गांधी नहर के आपके एक तरह से कुल लंबाई उनकी लिए नहर उनकी लंबाई की बात कर ली कई तथ्य जैसे पॉपुलेशन से संबंधित तथ्य थे कई पर्टिकुलर स्थान विशेष की जो बात की वो एक तथ्य ही है तो हर तरह से पेपर में ये कहूँ कि दोनों टाइप का था कुछ प्रश्न बहुत इजी थे बहुत इजी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कोई बच्चा नहीं कर पाता तो पेपर एक अच्छा पेपर था अपन इसको इजी भी नहीं कह सकते हैं इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते हैं पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पत्र आर ने बनाया है आ, अब बात आती है कि हम प्रथम प्रश्न पत्र को देख करके और इस द्वितीय प्रश्न पत्र को देख करके इसके अपन क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आइडिया क्या आइडिया हो इसमें कि हमारी नेक्स्ट पे निकालना हमारे इसमें कैलकुलेशन क्या जा सकती है वो उसको अपन देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग कितना प्रश्न सही हो जिससे कि दोस्तों हम सिलेक्शन ले लें और हमारी क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है तो दोस्तों इस पर देखिए मैं सब बच्चों का नरेश सब बच्चों का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने लगातार मुझे सुना है लगातार आपने मुझे सुना और मेरा सहयोग किया इसके लिए आपको सबका शुक्रिया है और मैं एक बार अपील करूंगा सब बच्चे लाइक करें शेयर करें मैं आप सब छात्रों से मेरी अपील है देखिए अभी अगर अपन देखते हैं तो आपके पास जो प्रथम प्रश्न पत्र था वो एक दिन पहले हो चुका था मीन्स जीके वाला जीके में भी थोड़ा सा अगर देखें ए, यहाँ हमारे 75 फाइव क्वेश्चन का था अभी जो हमने बात की 150 का था हालांकि थोड़े सी देखा जाए आर ने साइको के लिए 30 क्वेश्चन के लिए बोला लेकिन 30 क्वेश्चन नहीं आए सब्जेक्ट ज्यादा लीड हुआ है और सब्जेक्ट ज्यादा आना भी चाहिए था क्योंकि आपको संबंधित विषय का व्याख्या था गजिटेड पद पर प्रतिष्ठापन गवर्नमेंट देने चाह रही है मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा का पूरा 150 का 50 ही ज्योग्राफी के प्रश्न होने चाहिए साइको को इधर ऐड करना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत अच्छे प्रश्न 130 जो प्रश्न किया इन्होंने अच्छा किया इधर देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो यह पेपर जो था जिन बच्चों ने मोर देन 40 किए हैं तो मोर देन 40 का मतलब यह है कि बिल्कुल वो पहला पेपर में मतलब एक तरह से बढ़िया स्थिति में आ गया इधर अगर हम बात करें अभी 150 की अगर हम बात करें मेरा मानना यह है कि मोर देन 105 क्वेश्चन यदि यहां जिस लड़के ने सही मैं सही की बात करूँ ये सही होनी चाहिए अगर कोई लड़का 105 प्लस हो रहा है दैट्स ओके okay, और इधर ये 40 इस तरह से यदि अपन इनकी टोटल कर दें हैं तो देखिए दोस्तों ये 145 क्वेश्चन होते हैं 145 क्वेश्चन होते हैं और 145 को आप दो से मल्टीपल कर लें तो आपकी ये जो मेरिट है वो दो है जो बच्चा अगर मोर देन 290 मार्क्स लेकर बैठा है उस बच्चे को सिलेक्शन 101 परसेंट होगा उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता है जिस बच्चे के दोनों पेपर में मिला करके दो नंबर आ गए दो नंबर का मतलब समझ गए आप साढ़े चार में से क्योंकि पेपर इतना ईजी नहीं था दूसरी बात अधिकांश बच्चे सेकेंड ग्रेड और रीट में लगे हुए हैं आपके जीवन का एक गोल्डन चांस था कि कम मेरिट पर आप लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है हालांकि पेपर अच्छा था लेवल का था पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है जो बच्चे 290 को लेके चल रहे हैं ये मानिए कि वो सिलेक्शन के हकदार है अब मैं आपको अलग अलग कैटेगरी की मैं मेरिट बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों सभी छात्रों की मैं अलग अलग जो मैंने गेस की है जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है जो जनरल कैटेगरी में जो बिलोंग करेगा वो बच्चा सिलेक्शन दो से 290 तक वेरी करेगा जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे की दो से 290 तक है वो सिलेक्शन आराम से ले लेगा ओबीसी जो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वेरी करेगी दो से दो पर लगभग दो से दो तक इसकी ओबीसी की करेगी हम अनुमानित बात कर रहे हैं तमाम सभी राजस्थान के जो छात्रों से वार्तालाप हुई उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ ई देखिए मैं बता दूं ई विगत बार तो कई छात्रों को क्या पता नहीं था प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए थे इस बार लगभग सब बच्चों ने मेरा मानना है कि ई का प्रमाण पत्र बना लिया है तो ई की जो है मेरिट बढ़ने के पूरे आसान हैं 265 से वेरी करेगी 270 तक ये वेरी करेगी ई डब्ल्यू अगर बात करें एम कैटेगरी की बात करें तो एम कैटेगरी की जो मैंने कैलकुलेशन की है वो वेरी कर रही है 240 से लेकर 245 पर जैसा कि कैटेगरी से संबंधित छात्रों से जो वार्तालाप हुई है, उनके स्कोर के देख करके एस कैटेगरी की जो वेरी करेगी वो लगभग 225 से 230 के बीच में वेरी करेगी एस कैटेगरी की जो मैरिट यहाँ वेरी करेगी वो दोस्तों दो 215 से 220 तक वेरी करेगी दोस्तों ये संभावित है बाकी आर जैसा फाइनल करेगी वैसा होगा ये केवल जो मैंने आंकड़े आपको पेश किए हैं ये मैंने मेरे विवेक के अनुसार तमाम समस्त छात्र में जितने भी भूगोल के विद्यार्थी हैं प्रतिस्पर्धी हैं उनसे वार्तालाप के दरमियान जो निचोड़ जो मेरे पास सामने आया है वो ये आया है बाकी ये जो है अपने नेगेटिव मार्किंग करके आपको ये करना है आपको नेगेटिव मार्किंग करके करना है तो जो बच्चा जहाँ है फिर भी मैं तमाम सभी छात्रों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका आपके मेहनत के अनुरूप आपका चयन निश्चित रूप से हो यदि आपका चयन होता है बहुत अच्छी बात है और दूसरी बात यह है कि टेस्ट की जो पीडीएफ और आंसर जो की है वो टेलीग्राम टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी टेस्ट की पीडीएफ और आंसर की दोनों की दोनों मिल जाएगी हम अभी उधर उसको डाल रहे हैं ए, बाकी आर जो करेगी वो फाइनल है ये हमारा अनुमानित अनुमान है आर की ही की मान्य होगी आर ही की कट ऑफ मान्य होगी हम केवल आप जैसे विद्यार्थियों से वार्तालाप करके ही हम आपको दोस्तों एक निचोड़ पेश कर रहे हैं वो निचोड़ हम दे रहे हैं आपका नेगेटिव मार्किंग वन थर्ड करके ये स्थिति आनी चाहिए तो यदि उस स्थिति में आप आते हो तो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेते हो मैं आपको एक बात जरूर अंत में कहना चाहूँगा दोस्तों यदि आपको वाकई एक अच्छे पद पर जाना हो आप में से कुछ कोई साथी अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है ऐतुत्साहित तो होने की जरूरत नहीं है जलत बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल लेक्चर की विज्ञप्ति लेके आ रही है और जिसकी इम्तिहान आगामी हो सकता है मई जून में उसकी इम्तिहान गवर्नमेंट करवा लें तो जो बच्चे इस दायरे में नहीं आ रहे हैं मैं कहूँगा कि कल से वापस स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में लग जाएं उसकी तैयारी में लग जावे आप जल्दी से जल्दी पाँच छः महीने में दोबारा सिलेक्शन दे देंगे आपकी तैयारी को आप यथावत रखें आपने जो तैयारी की वो व्यर्थ नहीं जाएगी वो तैयारी आपको आगे काम करेगी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है असफलता भी मेरे शब्दों में सफलता की एक कड़ी होती है असफल रह करके आप घर नहीं बैठे आप में काबिलियत है आपनी हैसियत है आप, है। आप जैसे छात्रों को केवल प्रॉपर गाइड करने की जरूरत होती है यदि समय रहते आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि एक साल में आप सब बच्चे व्याख्याता बन सकते हैं लेकिन कंडीशन यह है कि उस एक वर्ष के दरमियान आपको प्रॉपर सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाए प्रॉपर गाइड किया जाए प्रॉपर परीक्षा केंद्रित पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन दे सकते हैं लेकिन कुछ साथी बिना गाइडेंस के बिना स्टडी मटेरियल के बिना मतलब मैं ये कहूँगा कि परीक्षा केंद्रित न पढ़ने की वजह से परीक्षाओं में वंचित रहते हैं आगे की तैयारियों के लिए आप पहले से तैयार रहें नेक्स्ट ये सोच लेंगे मुझे सिलेक्शन लेना है हालांकि आप में से इसमें अधिकांश बच्चे इसी बार सिलेक्शन ले रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे आंशिक बच्चे जो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे मैं उन, बच्च, उन बच्चों को सुझाव दूंगा कि हतोत्साई नहीं होवें और अगली तैयारी आज से शुरू कर दें और ग्रेट फर्स्ट की ही तैयारी शुरू कर दें क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल व्याख्याता की बहुत बड़े पद जल्दी विज्ञापित करने जा रही है जिनकी एग्जाम आगामी 2023 में संभावित है उसके लिए आपको अभी से दोस्तों तैयार होना जरूरी है और अभी जो अपन ने डिस्कशन किया साइको के अतिरिक्त लगभग सभी प्रश्नों पर अपन डिस्कशन किया है दोस्तों मैं थोड़ा लेट हो गया तो इसके लिए मैं आप सब साथियों से क्षमा प्राती हूँ लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात यहाँ चरित्रार्थ होती है नेक्स्ट इस वीडियो के जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस के में। हाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा आप अपने साथियों को सेंड कर दीजिए और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपका पुनः ईश्वर से नेक चाहता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहें और आप सदैव मेहनत करते रहें और सफलता के कदम आपको जल्दी से जल्दी मिलें और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ अगली बार भी रखें इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत